आरटीसी सैकटरी का सानू ड्राइवर बंदों ये नहीं पता कि तलक भी है कहीं ट्रक पहले तो बिहाड़ी आरटीसी सैकटरी ने 5000 का चलान किया है। गड्डी वेखो बाई व्हीलर ने 100 टन पाया यदा भी 5000 का चलान 2000 का चलान असी 40 टन पाया साढ़ा भी उ चलान है साड़ी की जरूरत है असी अगले तो बोल अगे बोलीए वो अफसर ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। नाज़रीन आप देख रहे हैं transportnews24.com और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद बिलाल। इस वक्त हमारे साथ एक गाड़ी के मालिक मौजूद हैं जो कि 22 व्हीलर है और उन्होंने गाड़ी पे ओवरलोड भी किया हुआ है और हम उनसे पूछते हैं कि ओवरलोडिंग के बारे में उनके क्या ख्यालात हैं और वो इस चीज़ को लेके क्या कहते हैं और उनका महाना बचत कितनी है। हमारे देखने वाले अक्सर हमसे ये सवाल पूछते हैं कि जो 22 व्हीलर है वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो मैंने सोचा कि चलें आज उनके मालिक के साथ बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि वो महाना कितने पैसे कमाते हैं और उनकी बचत क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? अल्लाह की रहमत। क्या नाम है जी आपका? लतीफ सर। अच्छा लतीफ साहब, मुझे ये बताएं कि आपने गाड़ी ओवरलोड किया हुआ है। जी जी। तो कितना चलान हो चुका है आपको साहिवाल से निकलते यहाँ तक आते हुए चीचावतनी से? सर मैं हासलपुर तो लोड करके आया जी, पहले तो बिहाड़ी आरटी सैक्टर ने 5000 का चलान किया। अच्छा। फिर एक दिहाड़ी घर खड़े रहे हैं। अच्छा। फिर बकरियां बेच के पैसे ला के आए हैं ते 5000 दा इत्थे साहिवाल टूल प्लाजे ते 5000 दा चलान होया। अच्छा। ते मोटर वाले ने 2000 दा चलान किया। ओवरलोडिंग काम करने दा मकसद ये नहीं हैगा कि चलान ठोकी जाओ, इहदा माल ला के रख लो। हाँ बिल्कुल सही है, माल जान देनी ना। मोटर वाले नूं भी मिल गई इजाजत भी चलान करी जाओ 5000 दा 10000 दा। आ गड्डी वेखो 22 व्हीलर ने 100 टन पाया, इहदा भी 5000 का चलान 2000 का चलान असी 40 टन पाया साढ़ा भी उही चलान है। तुहाडा किन्ना वजन है? 40 टन जी। 40 टन सिर्फ हाइट है ना उपर। अच्छा अच्छा अच्छा। हाइट का करके चलान दे रहे हैं ते हाइट तो फिर लेकिन तुहाडा देखा जाए हुकूमत की तरफ जो कानून पास है वो तो 40 टन की इजाजत है कि तुहानू? जी जी इजाजत है। हाइट तो हुण दस दिओ जी 40 टन पूरा किया जी, हाइट आनी वो तो आनी आनी। जी जी बिल्कुल। तुसीं उहनां नूं कहिंदे नहीं हो? असी साड़ी की जरूरत है असी अगले तो बोल अगे बोलीए वो अफसर ने, उन्होंने जो थोड़ी जी बदतमीजी करांगे वो 2000 की बजाय 5000 लिख देंगे, उन्होंने पिलसन चलानी है। बदतमीज नहीं, वैसे बंदा उन्होंने कह तो सकता ना, जरूरी नहीं बदतमीजी, असं भी नहीं कहेंगे कि तुम बदतमीजी करो, बंदा भी नहीं किसी ने बदतमीजी करो क्योंकि सरकारी मुलाजम तो वो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं। असी भाईजान हुण इत्थे टायर पेंचर होया साडा जी, तुहाडे सामने टायर पेंचर लगवाया तो और टायर चेक करने वास्ते रुके तो 500 की पर्ची मेरी जेब दे विच, उन्हें कहा इत्थे किवें रुके जी, मैं कहा गड्डी चेक कर रहा पिछे आवाज आई है, आ पर्ची मेरी जेब दे विच, उन्हें आकर आराम ना 500 की पर्ची देती है तो चला गया। अच्छा कहते हैं कि एक दफ़ा चलान हो जाए तो दोबारा नहीं होता, ये बीट बीट का फर्क होता है? हर बीट के चलान होना जी, ये नहीं है कि एक जगह पर हो गया, बल्कि मेरे को काफ़ी पर्ची ये दसो कि तुम 40 टन वजन भी पूरा रखा है तो तुम जिन्हें चलान तुम दस कोई 16000 के चलान तुम गिना देते हैं तो बचे? सुबह मैं सुबह का खड़ा साहिवाल टूल प्लाजे तो पिछे। अच्छा जी। सिर्फ अगर मोटर वाला साहिवाल टूल प्लाजे रुकता बड़ा सख्त बंदा तो डरता ही खड़ोता कि यह निकल जाए तो फिर असं जावे। अच्छा अच्छा। वो भी नहीं निकलिया तो आर टी सैकटरी का भी चलान हो गया। अच्छा सानू बड़ा दुख होया, यकीन करो। दसो कि तुहानू फिर बचत की है? बचत तो तुहाडे सामने ना करिए पहिया चलाना तो थोड़ा बहुत गुजारा कर रहे हैं, टायरों के हालात मंदे हो जा रहे हैं, दिन ब दिन ट्रांसपोर्टर थले नू जा रही है। नहीं मैंने ये दसो कि तुहाडी गड्डी किस्तां ते लई है तुसीं? जी जी। अच्छा किस्त भी पर्चियां हर टूल हर जगह पर हर बीट की अपनी वक्री पर्ची है, किन्नियां पर्चियां ने किस्तां ते गड्डी लई हुई तुसीं? जी जी। ते किन्नी किस्त है इहदी? एक पुरानी गड्डी, मैं तो एक वड्डा को वड्डा ट्रांसपोर्टर नहीं है, मोटर मालक नहीं है, गरीब बंदा सी, ड्राइवरी करदा करदा गड्डी बनाई तो चलो माशाल्लाह किसी बंदे ने मेरे ते करता आसान तो 50,000 किश्त थी जी, 20 लाख रुपया नगद दिता। अच्छा अच्छा। तो बस मैं किश्ती दे रहा या घर का चूल्हा चला रहा बस। चलो माशाल्लाह। किस्त का खर्चा वगैरह निकल आता है तो वैसे महीने का? बस बहुत खिच, मैं आप खुद चला रहा ना इस वास्ते दे रहा। हाँ हाँ। जे अगर ड्राइवर रखा हो तो फिर उन्होंने भी 30-40 हज़ार रुपया देना है, तो फिर नहीं चल सकता निजाम। तो तुम कुछ कहना चाहोगे हुकूमत नू या लोगों नू जे आवामी नुमाइंदे तो वक्ती तौर दुख होया ना जी, बिहाड़ी भी आर टी सैकटरी ने 5000 का चलान करता तो साहिवाल भी करता कि यह आर टी सैकटरी का सानू ड्राइवर बंदों ने यह नहीं पता कि तलक भी है कहीं ट्रांसपोर्ट होंगे कि आर टी सैकटरी है सानू नहीं पता जी। अच्छा अच्छा। हाँ जी सानू यह पता कि ट्रैफिक वाले चलो 500 का चलान करते हैं, मोटर वाले 1000 का 1500 का 2000 का साड़ी जान छुट गई, तो यह आर टी सैकटरी जिते भी खड़ो जाए तो समझो कि साढ़ा 5000 का टीका लाना ही लाना, तो हर जगह तो मिल जाता कि अगले दिन झंग गए तो उत्थे मिल गया, उत्थे 5000 दिता बाईपास से, तो इतने साहिवाल भी बिहाड़ी भी हर जगह पर जिधर नूं साडा रोड है ना कि मिल जाता। पहले नहीं सी आया आर टी सैकटरी, पहले मोटरवे रोड तो नहीं सी आता। अच्छा अच्छा। ये शहर के अंदर होंगे पहले? हाँ जी हाँ जी।
ਜਦ ਸਿੰਗਲ ਰੋਡਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੋਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਚਲਾਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਚਲੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਦੇਖਾ ਜਾਏ ਤੋ ਡਰਾਈਵਰ ਕਾ ਔਰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਕਾ ਇਸਤੇਸਾਲ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਖੂਬ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਧੂਮ ਸੇ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਹਰ ਚੌਕ ਮੇ ਕੀਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਤੋ ਇਸਕਾ ਸਦੇਬਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਹਕੂਮਤ ਕੋ ਇਨ ਮਾਮਲਾਤ ਪੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਗਾੜੀ ਹੈ ਹਮ ਬਾਰਹਾ ਬਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਓਵਰਲੋਡ ਗਾੜੀ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕਾ ਸਮਾਨ ਵਾਂ ਪੇ ਉਤਰਵਾ ਲਈਏ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸਕੋ ਨੈਕਸਟ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲਾਨ ਨਾ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਾ ਔਰ ਇਸ ਪੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹਕੂਮਤ ਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤੀ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਹਮਾਰੇ ਇਦਾਰੇ ਹੈ ਉਨਕਾ ਕਾਮ ਹੈ ਇਸ ਪੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੋ ਹਮਾਰੀ ਉਨਸੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਆਪ ਕਿਸੀ ਕਾ ਓਵਰਲੋਡ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਚਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੋ ਆਪ ਉਸਕਾ ਸਮਾਨ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਉਤਰਵਾ ਦੇ ਵਹਾਂ ਪੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਕੋ ਚਲਾਨ ਨਾ ਹੋ ਔਰ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਕੁਛ ਬਚਤ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਖਤੇ ਰਹੀਏ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨਿਊਜ਼ 24 ਕੋ ਔਰ ਮੁਝੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏਗਾ ਔਰ ਹਾਂ ਚੈਨਲ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਜੀਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਮੇਂ ਆਪਕਾ ਫੀਡਬੈਕ ਮਿਲਤਾ ਰਹੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀਜੀਏਗਾ ਅੱਲਾ ਨਿਗਹਿਬਾਨ।